अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर। आपको बताया कि लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर HVACR से रिलेटेड एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन मुनक्कद हो रही है। इसी से रिलेटेड हम एक पंप्स के स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात करेंगे। आपको बताया कि अगर आपका कहीं पर HVAC सिस्टम है तो आपका एक मेन कंपोनेंट है वाटर सर्कुलेटिंग पम्प, चाहे आपका फायर से रिलेटेड है, चाहे आपका प्लम्बिंग से वाटर सप्लाई की लाइन्स हैं, चाहे कूलिंग वाटर्स की लाइन्स हैं, चाहे चिल्ड वाटर्स की लाइन्स हैं, इन तमाम के अंदर आपका पंप्स एक मेन कंपोनेंट है। इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और अपनी कंपनी के बारे में बता दीजिए। मेरा नाम है हिलाल फरीदी और मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्रीस पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर हैं फॉर एबारा पम्प्स। ठीक है, एबारा इज़ एक्चुअली अ जापानीज़ ब्रांड और जापानीज़ ब्रांड बेसिकली दे हैव मल्टीपल फैसिलिटीज़। इनकी फैसिलिटीज़ जो है वो इंडोनेशिया में है, इसके अलावा इनकी फैसिलिटी जो है वो इटली में है और इनकी फैसिलिटी जो है वो टर्की में है। सो बट बेसिकली दे आर अ जापानीज़ ब्रांड। सो हम इनके जो हैं वो पाकिस्तान में इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर पास्ट टू ईयर्स, और फॉर लास्ट पास्ट टू ईयर्स वी हैव डन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, और इनके पास पानी के पम्प्स की वर्सेटाइल एप्लीकेशन है। वर्सल साइज से मुराद है कि इनके पास सेंट्रीफ्यूगल, इनवर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, क्लोज कपलिंग, ये तमाम पंप्स की वैरायटी जिसके अंदर सबमर्सिबल पंप भी आ जाते हैं, ये तमाम वैरायटी इनके मौजूद है। यस, इनके पास राइट फ्रॉम एंड सक्शन पंप, जो आप अगर किसी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पर बोर के पंप्स चाहिए होते हैं, सो दे हैव पंप्स अवेलेबल फॉर बोर पंप्स, बोर एप्लीकेशन, बोर सबमर्सिबल, बोर के टर्की से आते हैं। इसके अलावा प्लम्बिंग की पूरी एप्लीकेशन के लिए इनके पास जो हैं वो पंप्स हैं वो आते हैं इटली से। एंड सक्शन की पूरी रेंज है, वेस्ट वाटर के पंप्स हैं, सर्कुलेटर्स हैं, सो पानी की कोई भी एप्लीकेशन हो, इनफैक्ट इवन अगर आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं जो हाई साइज जिसमें मेगावाट की मोटर्स रिक्वायरमेंट होती हैं, इवन इनके पास उसके भी पंप्स मौजूद हैं। अच्छा सर, मुझे इसके अंदर जो मेन चीज़ है, एक पंप्स होता है, एक मोटर होती है, ये दोनों एक ही ब्रांड के हैं? नहीं, एक्चुअली एबारा इज़ अ पंप मैनुफैक्चरर और ये सिर्फ वैसे प्रीमियम रेंज में डील करता है। प्रीमियम रेंज में हम मोटर्स जो दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं ABB या WAC की i3 मोटर क्लास, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से 50 डिग्री एम्बिएंट। सो ये हमारी कॉम्प्लाइंस है कि 50 डिग्री एम्बिएंट होगा, ABB की मोटर्स होगी और वो हम यहाँ पर जो है वो लोकल असेंबल करके दे रहे हैं। हमसे पंप बाहर, क्योंकि हमें पाकिस्तान का अपना लोकलाइजेशन भी प्रमोट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमसे उनसे मेन पंप मंगवाते हैं। ये देख सकते हैं पंप हमने बाहर से मंगवाया और मोटर जो है वो सीमेंस, उसके बाद जो इसकी पूरी स्किड है वो हम लोकल पाकिस्तान में बना रहे हैं। सर अच्छा सर, लास्ट में एक मेन क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट सेल करना इशू नहीं होता, आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बताएं कि आपकी कंपनी जो फैसिलिटेट करती है और किस हद तक करती है। अच्छा, अगर आपने नाम सुना हुआ है गुलाम फारूक ग्रुप का, एक्चुअली एबारा इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीस पाकिस्तान। सो ग्रीस पाकिस्तान इज़ इनटू पाकिस्तान, 50 साल से पाकिस्तान में है, वो काम कर रहे हैं और जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन में है। पम्प्स के अलावा हम सोलर में काम कर रहे हैं, हम कंप्रेसर में काम करते हैं, हम जनरेटर्स में काम करते हैं। सो जो भी प्रोडक्ट हम करते हैं उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आफ्टर सेल्स, इसी यही रीज़न है कि 50 साल से हम पाकिस्तान में हैं और आफ्टर सेल्स के लिए इन पम्प्स के भी हमने तमाम की तमाम चीज़ें हमने स्टॉक में रखी हुई हैं। मैकेनिकल सील हो गई, बेयरिंग्स हो गई, स्पेसर कपलिंग हो गई, हमने सब का सब स्टॉक में किया, क्योंकि एक दफ़ा बेचना जो है वो नहीं, हमारा एक दफ़ा का काम नहीं है, हम हमेशा काम करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने कंप्लीट डिटेल से। लास्ट में ये मैं चाह रहा हूँ, मुझे कुछ ऑटोमेशन से रिलेटेड आ रही हैं, क्या ये कंट्रोल पे भी पंप आप जैसे फायर से रिलेटेड उन पंप्स को भी डील करते हैं? हमारे पास फायर की भी रेंज है, फायर में UL लिस्टेड पंप्स अगर आपको ज़रूरत है उसकी भी इनके पास रेंज है। VFD कंट्रोल, क्योंकि आजकल एनर्जी पे ज़्यादा काम है, सो वी आर फोकस्ड ऑन एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि अब एनर्जी प्रिजर्वेशन की बात हो रही है कि आप एनर्जी को किस तरह सेव कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीट, आपकी कोई भी इंक्वायरी हो प्लीज़ डू शेयर विद अस, इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट करेंगे और आपको बेहतर सोल्यूशन देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।